so now we are going to discuss the balance of payment accounts we have started this particular section with the introduction of gross domestic product gross national product and national income accounts so this is the most important and last part of that particular discussion that is balance of payment account in this table i have basically mentioned different type of types of flows this is the simplest form वन कैन वन कैन एक्चुअली रिप्रजेंट आ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट वन शुड रिमेंबर दैट देर आर टू टाइप ऑफ पेमेंट्स वन इन फॉर्म ऑफ इन फ्लो एंड वन इज़ इन फॉर्म ऑफ आउटफ्लो इन फ्लो से uh, मतलब ये लिया जाएगा जो कोई भी पेमेंट आपकी कंट्री के अंदर आ रही है उसको आप एज आ इनफ्लो यूज करेंगे और किसी भी फॉर्म के अंदर अगर कोई पेमेंट आपकी कंट्री से बाहर जा रही है और रिमेंबर जो आपके पास पेमेंट होगी नॉर्मली वो इंटरनेशनल करेंसीज़ के अंदर होती हैं जैसे यू डॉलर फॉर एग्जाम्पल तो उस फॉर्म के अंदर ये सारी पेमेंट्स होंगी जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे तो इनफ्लोस को हम किसी भी फॉर्म के अंदर आता है उसको एक पॉजिटिव इंडिकेशन ली जाती है क्योंकि आपके पास यू आर एक्चुअली गेटिंग मनी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट वुड बी योर इनफ्लो दूसरी साइड पे आउटफ्लो से मुराद कोई भी पैसा इन फॉर्म ऑफ डॉलर जो आपकी कंट्री से बाहर जा रहा है दैट वुड बी आउटफ्लो सो इसको स्टार्ट करते हैं वन बाय वन डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो रिमेंबर जब हम लोगों ने जी की इक्वेजन पढ़ी थी तो उसके अंदर हम लोगों ने ओपन इकोनॉमीज की डिस्कशन की थी और हम लोगों ने यह भी बात की थी कि कंजम्पशन से मुराद ना सिर्फ डोमेस्टिक कमोडिटीज के ऊपर कंजम्पशन है बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर जो आपकी कॉमोडिटीज जो आप खर्च करते हैं बाहर से मंगवा के जो अखराज होते हैं वो कंज़म्पशन का पार्ट बनते हैं तो जो जी के या जी एन पी के मुख्तु कॉम्पोनेट्स हैं वो यहाँ पर आपको साम एक्सटेंड नज़र आएंगे सबसे पहली चीज़ एक्सपोर्ट्स ऑफ इन गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट्स से मुराद ये है कि डोमेस्टिकली जैसे पाकिस्तान जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कितनी चीज़ें बाहर भेज रहे हैं देट वुड बी योर एक्सपोर्ट्स इन फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसज दूसरी साइड पे आपके पास इम्पोर्ट्स हैं सेकेंड uh, जो आपके पास यहाँ पे एंट्री है इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इम्पोर्ट से मराद वो कमोडिटीज़ या सर्विसज जो आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पाकिस्तान uh, के अंदर मंगवा रहे हैं अब यहाँ पे एक्सपोर्ट्स जब हम करते हैं तो हमारे पास इन रिवॉर्ड टू एक्सपोर्ट्स गुड्स एंड सर्विसज वी गेट डॉलर फ्राम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट मीन्स दैट वुड बी यूर इनफ्लो और इनफ्लो जैसे मैंने पहले बात किया कि ये पॉजिटिव इंडिकेशन है इसको हम एक्सपोर्ट्स uh, को हम ए से रिप्रजेंट करें उसके बाद है इम्पोर्ट्स इम्पोर्ट्स जब हम uh, करेंगे मुल्क के अंदर तो उससे आपके पास जो कमोडिटीज़ मुल्क के अंदर आएंगी एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू पे फॉर दोज कॉमोडिटीज़ और मे बी सर्विस तो इन दैट फॉर्म आपके पास जो मुल्क के अंदर uh, आपके पास डॉलर हैं सपोज फॉरन एक्सचेंज की फॉर्म में वो आपके मुल्क से बाहर जाएंगे सो दैट वुड बी अ नेगेटिव फॉर अ कंट्री जैसे आप पाकिस्तान के अंदर देखें तो जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है देर इज़ अ ट्रेड डेफिसिट और यू कैन से ओवर एक्सपोर्ट्स आर फार लेस देन ओवर इम्पोर्ट्स नेक्स्ट चीज़ है इन्वेस्टमेंट इनकम्स अब ये रेजिडेंट हम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर पहले भी डिस्कशन किया है कि जो डोमेस्टिक uh, लोग हैं किसी एक कंट्री के वो बाहर के ममालिक में इन्वेस्टमेंट करते हैं इसी तरीके से अगर पाकिस्तान के केस के अंदर देखा जाए तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट बाहर की है जो फॉर एग्जांपल आपने कोई शेयर्स ख़रीदे हैं बाहर किसी कंपनी के या कोई कोई भी चीज़ आपने ली है और उसके रिवॉर्ड में आपके पास इनकम आ रही है तो दैट वुड बी इन्वेस्टमेंट इनकम अब इस केस के अंदर आ, इसका भी पॉजिटिव इम्पेक्ट पड़ता है इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर और स्पेसिफिकली करेंट अकाउंट के अंदर ये जो पहले कंपोनेंट्स पांच हम पढ़ेंगे ये करेंट अकाउंट के कंपोनेंट्स हैं इसमें चौथा जो कंपोनेंट है दैट इज़ सर्विस डेट सर्विस पेमेंट्स इससे मुराद ये है कि आपके पास जो डोमेस्टिक आपने डेट लिया हुआ है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ख़ास तौर पर और बायो इंस्टीट्यूशन से आप डेट लेते हैं जैसे आईएमएफ वर्ल्ड बैंक एंड पेरिस क्लब वगैरह तो उस डेट के बदले में आप उनको इंटरेस्ट पेमेंट्स करते हैं तो डेट सर्विस से मुराद ये है कि जो आपने इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ है बाई एंड मल्टी लेटरल फॉर्म के अंदर उसके लिए आप उसके रिवॉर्ड में उनको डेट सर्विसिंग करते हैं या इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं वंस अगेन दीज पेमेंट्स गोज़ आउट फ्रॉम योर कंट्री दैट मीन्स आपके पास ये एक आउटफ्लो बनता है तो ये आपके पास करंट अकाउंट के अंदर नेगेटिव uh, इम्पेक्ट छोड़ेगा देन एक चीज़ है जिसे आप रेमिटेंसेस कहते हैं तो नेट रेमिटेंसेस एंड ट्रांसफर्स रेमिटेंसेस से मुराद ये है कि डोमेस्टिकली जो लोग हैं फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान के एग्जांपल uh, लें तो यहाँ के जो रेजिडेंट हैं और वो पाकिस्तान से बाहर जा काम कर रहे हैं और उस काम के बदले में मुल्क में जो पैसे भेज रहे हैं उनको बोला जाएगा रेमिटेंसेस तो नेट से मुराद ये है कि जो पाकिस्तान यहाँ से बाहर गए हुए हैं माइनस जो भी पेमेंट्स वो हमें भेजते हैं उसमें से माइनस कर देंगे आप जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोग पाकिस्तान में आए हुए हैं वो जो अपनी इनकम्स uh, अपने अपने कंट्रीज़ के अंदर भेजते हैं उस अमाउंट को अगर माइनस कर दिया जाए तो ये आपके पास नेट रेमिटेंसेज बनते हैं तो इस केस के अंदर अगर आप पाकिस्तान के आ, एस्पेक्ट से पर्टिकुलरली बात करें तो आ, ये सारी चीज़ें अक्सर न्यूज़ में आपको सुनने को मिलती हैं कि आपके पास यू हैव लार्ज नंबर ऑफ़ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट्स और उसके लिए आपको पैसे काफ़ी ज़्यादा देने पड़ते हैं एक्सपोर्ट्स के इश्यूज़ अक्सर डिस्कस होते हैं दैन आपके पास आ, आपने ये भी सुना है कि प्रजेंट जो गवर्नमेंट है पी की उसका मेजर फोकस इस पर्टिकुलर डेफिसिट को कम करने में रहा और वो टू सम समस्टेंड आफ्टर वन ईयर उन्होंने ये भी बात किया कि हम लोगों ने इस डेफिसिट को यानी कि ट्रेड के डेफिसिट को जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हैं सिर्फ इसको उन्होंने एलिमिनेट किया उसके बाद हम लोग न्यूज़ में अक्सर ये भी सुनते हैं कि हमारे जो बाहर लोग गए हुए हैं फॉरनर्स जो डोमेस्टिक जो, जो रेमिटेंसेज हमें भेज रहे हैं उन उनकी भी काफ़ी जो है वो बात होती है न्यूज़ के अंदर और फिर वंस अगेन डेट सर्विस पेमेंट की भी बात होती है कि पाकिस्तान ने आई को इतने पैसे देने हैं या किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक को पेरिस क्लब को और डिफ़रेंट इंस्टीट्यूशन को हमने जो पैसे देने होते हैं तो ये काफ़ी फिगर्स जो हैं वो आपको न्यूज़ में मिलते हैं सो दिस इज़ द करेंट अकाउंट बैलेंस अगर आप इसको देखें तो इसको इक्वेजनल फॉर्म में जिसमें हमने इसको एफ़ का नाम दिया है इसमें शो किया गया है इन पांच एंट्रीज़ को जिसको ए माइनस बी ए हेयर इट्स एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसज बी मीन्स इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सी इज़ इन्वेस्टमेंट इनकम जो प्लस साइन के साथ है डेट सर्विसिंग आउटफ्लो आउटफ्लो है इस वजह से इसके साथ नगेटिव साइन है जिसको डी से शो किया गया है प्लस ई e है जो आपके पास रेमिटेंसेस को शो कर रहा है और इसके साथ वंस अगेन पॉजिटिव साइन है तो ये आपके पास करेंट अकाउंट बैलेंस को अगर डिस्कस करना है तो आप यहाँ तक इन पाँच वेरिएबल्स को डिस्कस करते हैं उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है जिसको आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांजेक्शन अकाउंट में भी आप डिस्कस करते हैं उनमें सबसे पहली चीज़ है डायरेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स तो जो आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रही हैं बाहर से वो आपके पास डायरेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स कहलाएंगी देन फिर आपके पास कुछ वो पॉजिटिव आपका इम्पेक्ट डालेंगी क्योंकि वंस अगेन जब इन्वेस्टमेंट आएगी आपके मुल्क में तो वो इनफ्लो लेके आएगी और डॉलर्स या कोई भी इंटरनेशनल करेंसी आएगी मुल्क के अंदर और वो एक पॉजिटिव साइन होगा देन नेक्स्ट एंट्री इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एज दिस इज़ फॉरेन लोन्स प्राइवेट प्लस पब्लिक माइनस अमोटाइजेसन अब फॉर लोन्स की फॉर्म के अंदर अगर आप बात करें तो जो हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं जितने भी डेट हैं अक्सर आप uh, सुनते होंगे न्यूज़ uh, के अंदर कि पाकिस्तान का सपोज एक्सटर्नल डेट हंड्रेड बिलियन के करीब हो चुका या इससे क्रॉस कर चुका तो ये आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ फ़ॉरेन डेट है उसकी हम बात करते हैं और माइनस मोटाइजेशन से मुराद ये है कि जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट जो सपोज़ आपके पास आ, आ, आपने रिटर्न की है इन फॉर्म ऑफ डेट सर्विसिंग क्योंकि जब आप डेट लेते हैं तो एक तो इंटरेस्ट होता है जो आपको पे करना होता है प्लस फिर आप प्रिंसिपल अमाउंट का भी कुछ पार्ट जो है वो बाहर देते हैं वापस तो इसका भी साइन वंस अगेन पॉजिटिव है आल दो ये ठीक चीज़ नहीं है जो आप लेते हैं खास तौर पाकिस्तान का केस देखा जाए लेकिन यहाँ पे हम वंस अगेन इसको पॉजिटिव साइन के साथ शो कर रहे हैं क्योंकि ये एक पॉजिटिव इन्फ्लो आता है या मुल्क के अंदर पैसा आ रहा है चाहे वो लोन की फॉर्म के अंदर आ रहा है चाहे अगर हम करंट अकाउंट में हमने बात की इन्वेस्टमेंट इनकम की फॉर्म में आ रहा है चाहे रेमिटेंसेस की फॉर्म में आ रहा है तो जब भी पैसा किसी भी फॉर्म के अंदर ख़ासतौर पर इंटरनेशनल करेंसी जब आप मुल्क के अंदर आती है तो इसको आप इनफ्लो का नाम देते हैं उसके बाद है आय जिसको आपने कहा इंक्रीज इन फॉरेन एसेट्स ऑफ द डोमेस्टिक बैंकिंग सिस्टम तो बैंकिंग जो आपके पास सपोज़ पाकिस्तान के अंदर बैंक हैं जब वो फॉरेन एसेट्स बढ़ाते हैं सपोज़ आप एच बैंक है सपोज़ कमर्शियल बैंक है और वो अपनी डिफरेंट ब्रांचेस बनाता है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर तो वंस अगेन उसके लिए उसको पैसे चाहिए होंगे तो वो फिर पाकिस्तान से पैसे को बाहर भेजेगा इन फॉर्म ऑफ डॉलर्स और वो के मुल्क से बाहर जाएंगे तो आ, इसका भी अगर आप देखें तो नेगेटिव इम्पेक्ट है और माइनस के साइन के साथ आएगा दैन लास्ट जो है वो रेजिडेंट कैपिटल आउटफ्लो है अब कैपिटल आउटफ्लो एक किसी भी कंट्री के लिए बड़ा सिग्निफिकेंस रखता है और हिस्ट्री के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ की बड़ी प्रोमिनट एग्जाम्पल्स नहीं हैं जिसकी वजह से आपके पास इकॉनमी को बड़ा नेगेटिव उसको उसके कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़े तो कैपिटल अकाउंट से मुराद ये है कि जब भी सॉरी रेजिडेंट कैपिटल आउटफ्लो से मुराद ये है कि जब आपके किसी कंट्री के डोमेस्टिक जो लोग हैं या रेजिडेंट हैं वो अपना जो कैपिटल है इन फॉर्म ऑफ जो भी आप कह लें इन फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी मूव करते हैं किसी दूसरी कंट्री के अंदर पाकिस्तान की अगर बात करें तो स्पेशली लास्ट थ्री डेकेट्स की अगर आप एनालिसिस करें तो आपको ये बड़ा प्रोमिनेंट एक चीज़ नज़र आएगी कि पाकिस्तान की बहुत सी इंडस्ट्री जो है वो यहाँ से उठ के बांग्लादेश चली गई और दूसरी ऐसी कंट्रीज़ में चली गई जहाँ पे बिज़नेस फैसिलिटीज़ अच्छी थी तो उस केस के अंदर आपके पास कैपिटल आउटफ्लो हुआ पाकिस्तान के अंदर से इसी तरीके से लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के अंदर जब डेट क्राइसिस आया नाइनटीन का तो वहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला आ, ये रहा कि उनका कैपिटल जो था वो आउटफ्लो हुआ या मुल्क से बाहर गया उसमें बहुत सी कंट्रीज लाइक ब्राज़ील बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है मेक्सिको को अगर आप स्टडी करें तो वहाँ पे भी यही केस रहा तो इसके साथ भी नेगेटिव साइन ही आएगा क्योंकि वंस अगेन यहाँ से कैपिटल जो आउटफ्लो होगा दैट मीन्स आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज फॉर्म में पैसे बाहर जा रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट बैलेंस को अगर हम सम करें तो डायरेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आपके पास पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगे टू कैपिटल अकाउंट बैलेंस दैन फॉर लोन्स प्लस माइनस मोटाइजेशन विल एड पॉजिटिवलीपिटल अकाउंट बैलेंस दैन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इंक्रीज इन फॉरन एसेट्स ऑफ डोमेस्टिक बैंकिंग सिस्टम दैन वंस अगेन वी हैव टू subtract रेजिडेंट कैपिटल outflow from दिस अकाउंट तो जो बाकी बचेगा उसको हम के uh, का नाम दे रहे हैं जिसको हम कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं देन फिर लास्ट में आपके पास uh, हम ये बात कर रहे हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश रिज़र्व अकाउंट तो जो आपके पास कोई भी uh, आपके इकॉनमी के अंदर जो कैश रिज़र्व अकाउंट होते हैं उसको आपने एल का नाम दे दिया और इस बैलेंस में एरर मिशन को हमने एम का नाम दिया जिसमें हम जो आपके एग्जिस्टिंग कैश रिजर्व अकाउंट होंगे उसमें से आप एफ़ को माइनस कर देंगे करंट अकाउंट को माइनस करेंगे फिर माइनस करेंगे कैपिटल अकाउंट को तो ये आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट एट द एंड ऑफ द डे किसी कंट्री के पास रह जाएगा